मंत्री अमित शाह 3 दिन में एमपी के 10 संभाग का दौरा और बैठक करेंगे। शाह सभी 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वो बात भी करेंगे। उज्जैन में रोड शो और बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो सबसे पहले जबलपुर संभाग की बैठक लेंगे। बैठक में 38 विधानसभा के कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। जुन्नारदेव विधानसभा में विशाल जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा और शाम 5 बजे भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की बड़ी बैठक की जाएगी। तो आज बैठकों का दौर भी देखा जाएगा क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी पहुंच रहे हैं। तो 3 दिन का ये दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। बता दें 3 दिन में एमपी के 10 संभाग का दौरा और साथ ही शाह बड़ी बैठकें करने वाले हैं। सभी 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वो बात भी करेंगे। नर्मदापुरम संभाग की भी बड़ी बैठक होने वाली है। उज्जैन में रोड शो और बाबा महाकाल के भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दर्शन करेंगे और सबसे पहले जबलपुर संभाग की वो बड़ी बैठक लेने वाले हैं। तो 3 दिन लगातार बैठकों का दौर देखा जाएगा, रणनीति तैयार की जाएंगी और आज से 3 दिन के एमपी दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जबलपुर से मेरे सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ गए। कुमारिंदर, 3 दिन के एमपी दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन सबसे पहले जबलपुर में बड़ी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। कब से ये बैठक शुरू होगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की बड़ी बैठक ली जाएंगे, क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी? अमित शाह की यदि बात करें तो 12:30 बजे जो है उनका जबलपुर आगमन होगा। डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सीधे वो जो है मदन महल जबलपुर के जो है वो माल गोदाम चौक स्थित पहुंचेंगे, जहां पर जो है आदिवासियों के जननायक कहे जाने वाले शंकर शाह और रघुनाथ शाह की मूर्ति पर जो है वो माल्यार्पण कर जो है अपनी यात्रा का शुरुआत करेंगे और इसके साथ वो संदेश देंगे। आदिवासी वोटरों को साधने की भी कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से अमित शाह यहाँ से करेंगे। अगर यदि बात करें कि चुनाव कमान संभालने के बाद, मतलब आचार संहिता लगने के बाद पहली बार जो है जबलपुर आगमन अमित शाह का यहाँ पर हो रहा है, उनके साथ प्रदेश प्रभारी और मध्य प्रदेश वीडी शर्मा का भी यहाँ पर जबलपुर आगमन हो रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी भी यहाँ पर जबलपुर में उनके साथ यहाँ पर बैठेंगे। उसके बाद अमित शाह जो आज संभागीय कार्यालय में एक मैराथन बैठक करेंगे, उस बैठक में अमित शाह पूरे महाकौशल की जीत की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उनके साथ संभाग के कार्यकर्ता पदाधिकारी तो होंगे ही, चुनाव प्रभारी भी जो है वो अमित शाह के साथ इस पूरी बैठक में शामिल होंगे और ये कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं और पदाधिकारी को कह सकते हैं कि अमित शाह आज जो है इस महाकौशल का मैदान कैसे फतह करना है, इस बात का मंत्र यहाँ पर देंगे। और इसके साथ ही जो पिछले दिनों टिकट बंटवारे के बाद जो बगावत हुई है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने अपना सिर उठाया है, दावेदारों ने जो पिछली बार जो तेवर दिखाए थे, उस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं एक कश्मकश है जिसकी गूंज पिछले दिनों दिल्ली और भोपाल में सुनाई दी, जिसको लेकर पार्टी में बड़ा चिंतन किया गया कि आखिर ये कांग्रेस का कल्चर जो है वो कैसे बीजेपी में आ गया। उन दावेदारों को शांत करने की बड़ी चुनौती अमित शाह के सामने है, लिहाजा अमित शाह अपनी रणनीति सुनाने तो आ रहे हैं, उनको उन दावेदारों का, उन कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी सुनना है। लिहाजा कह सकते हैं कि अमित शाह को पता है कि वो 3 दिन के दौरे पर रहेंगे तो उनको इस बागी तेवरों का भी सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको भी संतुष्ट करना पड़ेगा। तो एक सोची सच्ची रणनीति के तहत अमित शाह जो है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर है। आज जबलपुर के संभागीय कार्यालय में वो रहेंगे। करीब जबलपुर में अमित शाह 2.5 घंटे तक का अपना वक्त देंगे। तो इस 2.5 घंटे के अंदर अमित शाह क्या रणनीति बनाते हैं और जीत का मंत्र क्या देते हैं इस महाकौशल की 38 विधानसभा क्षेत्र में से, जिसमें से 24 कांग्रेस के पास ही, कह सकते हैं कि महाकौशल का मैदान जो है वो लगभग कह सकते हैं कि 1/3% जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है। तो इस महाकौशल के मैदान को कैसे फतह करना है, कैसे जीत का आंकड़ा जो है वो करीब पहुंचाना है, तमाम रणनीति यहां पर होगी। साथ ही बागवियों को भी शांत करने का फार्मूला यहां पर अमित शाह आज देंगे। बहुत सारे बागी नेता जो कल तक अमित शाह के दौरे के पहले जो है पार्टी से इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, पार्टी से बगावत देने की बात कर रहे थे, यहां तक कि पोस्टर वार भी जबलपुर में शुरू हो चुका है, वो सब चीज को लेकर कहीं ना कहीं अमित शाह के दौरे को देखते हुए सब मामला ठंडा पड़ा है। जो लोग इस्तीफे की बात कह रहे थे, जो तबागी तेवर अपनाए हुए थे, कहीं ना कहीं अमित शाह के दौरे की बातचीत के बाद सारे लोग शांत पड़ गए हैं और सबके सुर कह सकते हैं कि अमित शाह के दौरे के बाद बदल चुके हैं। सभी कह रहे हैं कि अब इस्तीफा जो वो देंगे तो वो चुनाव के बाद देंगे, अभी वो पार्टी की गाइडलाइन के साथ खड़े हैं। तो ये कह सकते हैं कि अमित शाह के इस दौरे से उनके आने के पहले ही कहीं ना कहीं पार्टी के बागी तेवरों में थोड़ा सा जो सुर बदला है, और निश्चित तौर पर जब अमित शाह यहाँ पर आएंगे और जब वो कार्यकर्ताओं को, लोगों को समझाएंगे, तो ये कह सकते हैं
कि जो पार्टी में बगावत चल रही है वो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगेंगे, उसका फायदा जो है आने वाले दिनों में चुनाव में यहाँ पर देखने मिल सकता है। खास बात ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के दौरे में वो करीब 230 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम अपडेट देने के।